बच गई यहाँ पर। ये तो एक के चक्कर में ना सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई अपना ट्रैक्टर बाहर निकालिए, ट्रैक्टर को घर को मिल जाए मना। मैं यहाँ का TI हूँ, समझ जाओ नहीं तो एक के चक्कर में सभी को लॉकअप में बंद कर दूंगा। यह है नरसिंहपुर के तेंदुघड़ा थाने के TI प्रवेश राजपूत। TI ने ऐसा क्यों कहा और TI को गुस्सा क्यों आया? दरअसल तेंदुखेड़ा में अवैध रेत खनन चल रहा था। इसकी सूचना रेत कंपनी धनलक्ष्मी के कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने अवैध रेत खनन करने वाले आरोपियों को रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में हो गई जमकर मारपीट। पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, वहां आरोपी के न मिलने पर TI बिफर गए। देखिए वीडियो। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उतना होना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो एक के चक्कर में ना सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई अपना ट्रैक्टर बाहर निकालिए, ट्रैक्टर को घर को मिल जाए मना। भाई मेरे को मतलब नहीं है सीधी बात, यदि उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है तो तुमने क्यों छोड़ा गया? लड़के कहाँ है? वो तीन वहाँ पे जा रहा था इमलिया खदान पे। मेरे को किसी ने लोकेशन बताई कि वहाँ पे ट्रैक्टर चोरी से भरे जा रहे हैं रेत खदान के। तो मैं मेरी टीम के साथ में 5-6 लोग थे, हम लोग 5-6 लोग वहाँ पे गए। जैसे ही नदी के अंदर एंट्री हुआ तो ट्रैक्टर भर रही थी। हमने देखा उन लोगों को, उनके पास जाके पूछा कि भाई आप इसकी रॉयल्टी वगैरह आपके पास में है या नहीं है। उन लोगों ने कहा भी 10 मिनट को हम आपको रॉयल्टी का सब चीज़ें दे देते हैं। हमने उनका वेट किया तो जैसे ही उनके पूछा कि अब तो रॉयल्टी दिखाओ, रॉयल्टी देखने के चक्कर में वहाँ पर हमारे पास सीधा टेक कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं राड से भी किया था, जैसे लकड़ी हैं उनके वो पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, और उनके गांव की औरतें या उनके पता नहीं परिवार की थी किनकी थी हमारे को ये नहीं पता। बाकी वो 50-60 लोग आके हम लोगों को मारने लगे और हमारे को कहा कि यहाँ से आपको जिंदा नहीं जाने देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कंपनी को बुला लो। हमने पुलिस प्रशासन को भी इन्फॉर्मेशन किया था कि भाई हमारे को यहाँ पे ये बात हो रही है, ये लोग रुक नहीं रहे हैं। मेरे भाई और तो मेरे भाई 3-4 लड़के वहाँ पे थे, तो राल्टी वाले आए, उन्होंने उनको पकड़ा, मारा लगा था ना। फिर लड़के को पकड़ के घर लेके आ रहा, मेरे को पास पहुंचे थे, मेरे का सुनवाता ये करता बदतमीजी करने लगे और ऐसे मक्का सुखी करने लगे, लक्ष मारने लगे है ना। तो क्या हुआ कि मेरे भाई ने मेरे पापा ने अपने बचाव किए तो अपने बचाव करते करते उनके बाद उनको चोट आ गई। इसके बाद कुछ लोग और आने चाहते थे, उन लोगों ने सबका बचाव किया, उनको अलग किया, उन्हें पापा को अलग किया। कुछ लोग अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए जब यहाँ की जो रेत कंपनी है धनलक्ष्मी उसके कुछ लोग ने जाकर वहां पर उन्हें रोका, तो ये 3 मुख्य आरोपी हैं जो कि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी ने वो कंपनी के लोगों के साथ मारपीट करी और 2 लोग वहां पे बेहोश हो गए। इसी दौरान थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा वहां पहुंचे और उन 2 लोगों को गाड़ी में बिठाया। उन लोगों के द्वारा जब बताया गया कि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, तो इनको जो है मौके से गिरफ्तार करने के लिए जब थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो उनके बचाव में आ गई और थाना प्रभारी को जो गाड़ी थी जिससे कि रेत का उत्खनन कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं ले जाने दे रहे थे, उसी के दौरान संभावित या वीडियो है इसकी प्रकरण की हम लोग जांच SDOP तेंदुखेड़ा के माध्यम से करवा रहे हैं कि क्या परिस्थितियां बनी जिसके दौरान इस प्रकार की बात थाना प्रभारी द्वारा की गई है और उसके अनुरूप जो है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। प्रकरण में अभी तक ये 3 लोग जिन्होंने मारपीट की थी और जिनके द्वारा चोटें पहुंचाई गई हैं उनको जो है नोटिस देकर उनको छोड़ दिया गया है।